हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलेंद्र फिर से आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही मस्त इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन मस्त क्यों होने वाली है मैं बताने वाला हूँ आपको। फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके आजकल चल रहे हैं, लाइक कोई आपके साथ न्यूड स्कैम करता है, कोई आपके साथ बैंक से पैसे निकाल लेता है, कोई आपको लॉटरी कहता है। बट आजकल जो एक स्कैम आया है वो बहुत ही, मैं कहूँगा एकदम नया स्कैम आया, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया है। और मैं आपको उसी स्कैम के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो अब ये स्कैम क्या है आप देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पर। ये मामला पूरा क्या है कि ये लोन डिपार्टमेंट से मैसेज भेजा गया। ये जो मैसेज है, आप इस मैसेज, आप पहले, मैं आपको पहले एक पूरा सिलसिला बताता हूं कि ये है क्या। ये आप देख रहे हो, ये एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है। और ये मैसेज इस हिसाब से भेजा गया है कि जो मैसेज आ रहा है ये लोन डिपार्टमेंट से आ रहा है। जो ये मैसेज भेजा गया है ये आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपको एक लोन डिपार्टमेंट से मैसेज भेजा गया है। आप इसमें देख रहे हो कि बंदे का नाम लिखा हुआ है विनय महेश्वरी। इसके साथ साथ इनका मोबाइल नंबर भी दे रखा है 87500 करके। और इसके अलावा जो आगे दे रखा है वो दे रखा है कि इन भाई साहब को लोन लिया, इन भाई साहब ने लोन लिया और लोन लेने के बाद इन्होंने वापस नहीं किया। और आप जिसके पास ये मैसेज भेजा गया, जी हाँ एग्जैक्टली आपके पास ये मैसेज भेजा जाएगा और फिर ये बोला जाएगा कि आप इस लोन के गारंटर थे। मतलब जिन भाई साहब ने लोन लिया था उन भाई साहब ने आपको इस लोन का गारंटर रखा था। गारंटर मतलब कि अगर लोन नहीं दे पाए तो ये लोन आप देंगे या आप इस केस को पूरा हैंडल करेंगे। अगर आप गारंटर हो तो आप बात करके इस केस को रिजॉल्व करो। मतलब कि ये मैसेज जब आपके पास पहुंचेगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपने इस केस को ख़त्म करना है, क्योंकि आप इस केस के गारंटर थे। जिन्होंने लोन लिया था उस केस के आप गारंटर थे। तो अब आप क्या करो कि जिस नंबर से ये मैसेज आया है उस नंबर पर आप कॉल करो, और कॉल करने के बाद अब आप इस पूरे मैटर को रिजॉल्व करो। और उसमें एक आपको धमकी भी दी जाएगी जैसी कि लिखी हुई है कि अगर आप इस केस को रिजॉल्व नहीं करते हो तो 420 के मामले में, धारा 420 के मामले में आपको 7 साल की जेल हो सकती है या इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो अब आपको इस तरीके से बिल्कुल डरा दिया जाएगा। और इसमें पूरी तरीके से आपको इस तरह डराया जाएगा कि आपके पास इस तरीके के एक्शन होंगे, उस तरीके के एक्शन होंगे, और डराने की मतलब एक हद पार कर दी जाएगी। तो अब होगा क्या कि अब आप डर जाएंगे। अब आप जब डर जाएंगे तो अब आप क्या करेंगे कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जो बंदा आपका फ़ोन उठाएगा, पहली बात तो जब आप कॉल करेंगे कोई बंदा आपका फ़ोन उठाएगा नहीं इस नंबर पे। तो आप सोचोगे जब नंबर पे कोई फ़ोन उठाएगा नहीं तो फिर मैटर ही क्या है, फिर तो कुछ लेना देना नहीं है। तो अब होगा क्या कि वो बंदा आपसे मैक्सिमम कोशिश ये करेगा कि वो आप पे कॉल पे बात ना करके, व्हाट्सएप कॉल से बात ना करके, वो आपको थ्रू मैसेज ही आपसे बात करेगा। जब आप उससे बोलोगे, अगर आप डर गए और आपने अगर बोला कि ठीक है मैं इस केस से निकलना चाहता हूँ और मुझे क्या करना होगा ये आप मुझे बता दीजिए। अब आप ये सब चीज़ें उसको बोलोगे क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि इस लोन के मैसेज के साथ जो फ़ोटो लगा हुआ है, ये जो फ़ोटो आएगा ये आपके रियल फ्रेंड का आएगा। अब इस चीज़ का अभी तक कोई माई बाप नहीं है कि ये जो फ़ोटो लाते हैं आपके रियल फ्रेंड का, ये कहाँ से लाते हैं। हो सकता है कहीं किसी अलग दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ये लाते हों, कहीं से भी आपका कहीं फ़ोटो निकाल लिया आपके फ्रेंड का चोरी से और उसको व्हाट्सएप मैसेज पे लिंक करके और आपको भेजेंगे। तो जो फ़ोटो आपके फ्रेंड का आएगा वो रियल होगा। अगर आप डर गए और आपने बातचीत चालू शुरू कर दी, फिर आपसे ये डिमांड करेंगे कि अगर आपको इस केस से बाहर निकलना है, एज अ गारंटर आपको ये केस ख़त्म करना है, तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे, अगर आप सपोज़ करिए किसी बहुत अच्छी रेपुटेड जगह पे काम कर रहे हो, सब चीज़ें आपकी अच्छी हैं और आप एक नॉर्मल साधारण आदमी हो, फ्रॉड के चक्कर में कभी फंसे नहीं हो, आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आप डर जाओगे और आप बोलोगे चलो ठीक है 10,000 रुपये में देके कहानी को ख़त्म करता हूँ। तो जब आप इनको 10,000 रुपये दे दोगे फिर सिलसिला शुरू होगा कि ये 10,000 रुपये से हमारे यहाँ पर तो मैसेज हमने डिलीट कर दिया है और केस आपका रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक आदमी बैठा हुआ है उसका कहना फलाना 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 ये है और वो ये करेगा, अब आपको 25,000 रुपये और देने पड़ेंगे।
तो ये जो सिलसिला है ये इस तरीके से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही नए तरीके का फ्रॉड मार्केट में आया है। मैंने पिछले 1.5-2 साल, अगर 3 साल की बात करूँ, तो मैंने एक सिंगल आदमी के पास भी इस तरीके का मैसेज नहीं देखा कि उसके पास इस तरीके के लोन से रिलेटेड कोई मैसेज आया हो और उसके ही किसी रियल फ्रेंड का इस पर फोटो लगा हुआ हो। और इस पर जो पूरी लैंग्वेज लिखी रहेगी वो ऐसी लिखी रहेगी कि इस आदमी ने लोन लिया था, ये बहुत बेकार आदमी है और ये लोन नहीं लौटा पा रहा है, वट एवर, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होंगी। तो आपको बस इस वीडियो में मेरा समझाने का पर्पज़ यही है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी मैसेज आता है तो आपको गुमराह नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मेरे इस वीडियो से आपको उस मैसेज वाले को उल्टा और धमका देना है कि अगर मेरे पास ये दोबारा से मैसेज कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। और बाकी जो भी आप अपनी लैंग्वेज में, आप समझ गए होंगे, आप जो भी समझाना चाहो आप समझा सकते हो। तो आपको अपनी लैंग्वेज में जितना अच्छा से आप उसको समझा सकते हो वो आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझा दो, लेकिन आपको 50 पैसे भी उसको नहीं देने हैं। क्योंकि अगर आपने उसको 50 पैसे या 1 रुपये भी दे दिया तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल बेकार हो गया। मैं सोचूंगा कि मैंने जो ये वीडियो बनाया था इस इन्फॉर्मेशन को लेके, वो बिल्कुल बेकार हो गया, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसलिए इस तरीके के फ्रॉड से बिल्कुल दूर रहिए, ये बिल्कुल मार्केट में नया फ्रॉड है और इसमें आपको फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ, मेरे चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ। तो गाइज़, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।